Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. In my last video, we spoke about Banjara Market. So, मैं गई थी बंजारा मार्केट कुछ दिन पहले एंड वो वीडियो एक वॉक थ्रू था. एंड उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि हमने गुड़गांव से ऑल द वे गोवा सारा सामान जो है वो हमने शिपिंग किया है. तो आई गॉट सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट द शिपिंग एंड एवरीथिंग कि मतलब दूसरे स्टेट में हमने कैसे शिपिंग किया. एंड सारी जानकारी के लिए मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए. इवन ऑन माय इंस्टाग्राम मैंने काफ़ी सारे मैंने जो स्टोरी डाली थी उसमें काफ़ी लोगों ने ऐसे रिप्लाई किया कि अच्छा यू गॉट ऑल दिस टू अनदर स्टेट एंड एवरीथिंग. तो कैसे किया, किसको कॉन्टैक्ट किया, एवरीथिंग. सो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल आपको दे दूंगी कि हमने कैसे गुड़गांव से गोवा तक सारा सामान लाया. सो डायमेंशन वाइज जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमारे पास था वो एक बालकनी में रखने वाला बेंच था जो मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. तो हम उसको लेकर काफ़ी परेशान होने लगे. बाकी सामान हम सोचे थे बाकी सामान नहीं बोलूंगी और भी दो चीज़ें थे जो लेना हमारे लिए मतलब लेके आना हमारे लिए मुश्किल हो सकती थी. पर बाकी जितना सामान था वो हमने सोचा था कि वी कैन ट्रैवल विद दैट. पर हमारे तीन प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा हमें ऐसे मतलब सोचने में मजबूर कर दिया कि अब हम कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करें. सो देन वी स्टार्टेड आस्किंग पीपल ओवर देयर दैट इज देयर अ वे दैट वी कैन ट्रांसपोर्ट ऑल द थिंग्स टू आवर प्लेस इन गोवा. सो उन्होंने वहाँ पे हमें दो तीन ट्रांसपोर्ट कंपनी के डिटेल्स दिए जो मैं आगे चल के इस वीडियो में दे दूंगी. हमने दोनों को कॉन्टैक्ट किया. दोनों ने हमारा सामान देखा, देख के अप्रॉक्सीमेटली 6.5 के कोट किया फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम गुड़गांव बेसिकली टू गोवा. तो हमने उनमें से बार्गेन करना चालू किया. हमें लगा था 3-3.5 दिन तक भी बात बन जाएगी तो अच्छा होगा. बट देन एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 6,000 के कम में उन्होंने नहीं किया. तो दूसरी जो कंपनी थी उन्होंने हमें 5,000 लास्ट कोट किया. उन्होंने बोला कि वो अच्छे से बहुत पैकिंग भी कर देंगे और सामान जो है हमारे एड्रेस तक पहुंचा देंगे. देन वी हैड नो अदर ऑप्शन ऑनेस्टली. तो हमने वही चूज किया KTC ट्रांसपोर्ट. उन्होंने हमें बहुत अच्छे से दिलासा दिया कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगी, दे विल पैक इट वेरी नाइसली एंड वेरी प्रॉपरली एंड वेरी सिक्योरली. सो अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं रादर देन टू ट्रस्ट देम. सो वी गेव ऑल आवर प्रोडक्ट्स टू देम. उन्होंने हमारा सारा सामान लिया और जहाँ पे वो मार्केट है बंजारा मार्केट जहाँ पे है वहाँ से थोड़ा आगे चल के मतलब मेन रोड की तरफ जाके उनका एक ऑफिस भी है. तो उन्होंने हमें ऑफिस में बुलाया और दिखाया कि हाँ मतलब बाकी बहुत लोगों ने उनको ऐसे सामान देके गए. तब थोड़ा सा मुझे ट्रस्ट आया कि अच्छा हाँ हो सकता है, मतलब इतने लोग अगर दे रहे तो ठीक है. देन हम उनके वहाँ पे गए, उन्होंने सारा सामान हमारा ले लिया. पर हमें कोई उस टाइम पे कोई इनवॉइस या कुछ नहीं मिला. बट दे सेड दैट दे विल प्रोवाइड द लाइक पैकिंग डिटेल्स एंड एवरीथिंग, ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग बाय टुमारो. एंड हमारी जो फ्लाइट थी वो उसके नेक्स्ट डे ही थी दिन में. सो हमें थोड़ा सा तो डर लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि हम चल जाए और हमारा सामान हमें कहीं मिले ही नहीं. तो नेक्स्ट डे तो हम ट्रैवलिंग में बिजी हो गए थे. उसके नेक्स्ट डे जब हमने उनको कॉन्टैक्ट किया था तो दे सेड कि हाँ वो ट्रैकिंग डिटेल्स भेज रहे करके उन्होंने हमें ट्रैकिंग डिटेल्स भेजा जो हमने देखा कि एक्सप्रेस वे का ट्रैकिंग डिटेल्स है और 50 kg का हमारा कोटा उन्होंने डाला है. देन वी रियलाइज कि हम और भी सारा बहुत कुछ सामान उसमें एक्चुअली भर सकते थे. कमिंग टू द पॉइंट कि हमें ये सारा सामान मिला कब. तो हम बंजारा मार्केट गए थे 27th को और उनको देख के आ गए. उन्होंने प्रोबेबली 29th को हमें ट्रैकिंग डिटेल हमारे साथ शेयर कर दिया था और 5th को हमें अपना पूरा सामान जो है हमारे घर पे मिल गया. और जो शिपमेंट आया आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब. मतलब वी वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट आई वुड से. मतलब इतनी अच्छी पैकेजिंग थी कि आई जस्ट कांट. मतलब वो पैकेजिंग देख के मुझे लग रही थी कि अच्छा ओके वट एवर वी हैव पेड देम वर्थ है, बनता है. मतलब उन्होंने इतना अच्छे से पैकेजिंग किया था, बहुत अच्छे से. यू कैन सी राइट नाउ कि ये जो आप वुडन बॉक्स देख रहे हो इसमें सारे जो सेरेमिक के आइटम्स है वो मतलब इसमें रखा हुआ था. एंड जो सेरेमिक के सारे आइटम्स थे वो हमें जो शॉप से मिला था वो ऐसे ही मिला था इन नॉर्मल कोई पेपर में या कोई पॉलिथिन बैग में. बट राइट नाउ एज यू कैन सी के उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली बबल रैप किया है विच इज वेरी कमांडेबल. एंड देन दे मेड दिस वुडन बॉक्स काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे उन्होंने ये पूरा सामान डाला है जो मतलब बहुत ही अच्छा था. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और हमारी मतलब ये बॉक्स खोलने में हमारी हालत खराब हो गई टू बी वेरी ऑनेस्ट. और हम बहुत ही सेटिस्फाइड थे विद दिस ट्रांसपोर्ट कंपनी. एंड जो आप ये वाला देख पा रहे हो ये है हमारा बेंच वाला पैकेजिंग जो भी काफी सिक्योरली पैक्ड था. ये उतना कुछ होने को था नहीं, इसमें सिर्फ जो इसके स्टैंड है चारों तरफ उसी में थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता था. उन्होंने उसको भी अच्छे से पैक मतलब थोड़ा बबल रैप वगैरह डाल दिया था उसमें. सो जो भी सामान है हमारी, जितनी भी सामान है, इवन द मार्बल्स, तो वो सारी मार्बल वो भी सही सलामत आई. हमारी एक भी सामान में एक भी खरोच नहीं हुआ. तो अभी ये मेरा एक्सपीरियंस था. देयर माइट बी सम अदर एक्सपीरियंसेस जो किसी भी खराब हो या समथिंग, बट आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. नाउ यू नो मिसहैप्स कैन हैपन एंड आई होप ये किसी के साथ भी ना हो. और एज यू सॉ के 50 किलोज का जो था वो 5,000 रुपए में वो मान गए थे. तो 50 किलोज आर अ लॉट. मतलब आप बहुत कुछ शॉप कर सकते हो उसमें. सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर बंजारा मार्केट शॉपिंग फॉर योर होम और आप दिल्ली या गुड़गांव से नहीं हो, कहीं और लेके जाना है, सो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो आपको कितना शॉपिंग करना है, कहाँ पे ले जाना है, वेट क्या होगी, अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ देखिए. यू गाइस कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विद दिस पीपल, दे आर रियली गुड एट देयर जॉब.
आई थिंक केटीसी ने इतने अच्छे से किया, तो हो सकता है बाकी जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज है वो लोग भी सेम ही करते, बट आई डू नॉट हैव पर्सनल एक्सपीरियंस विद देम, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम एज वेल, उधर काफी सारे आपको मिल जाएंगे केटीसी छोड़ के भी। वहाँ पे आप जब शॉप करोगे, आप डिफरेंट जो शॉप है जहाँ से आप सामान लोगे, आप उनको भी पूछ सकते हो कि उनके पास है कि नहीं, एंड दिस इज फॉर अ रेफरेंस, अगर आपकी बात उनमें से किसी से बनती है, मतलब नॉट विद केटीसी बट विद अदर एनी ट्रांसपोर्ट कंपनी, एंड यू कैन जस्ट शो दिस वीडियो टू देम मे बी कि हमें ऐसी मतलब एकदम सिक्योर पैकिंग चाहिए सो दैट हमारा सामान उसमें कुछ खराब ना हो एंड एवरीथिंग। सो ऐसे करके बात करके आप प्रोबेबली अपना डील जो है वो क्लोज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई रियली वांटेड टू कन्वे दिस टू पीपल आउट देयर, बिकॉज बहुतों ने मुझे ये सवाल पूछा था कि हाउ मच आई हैव शॉप्ड फ्रॉम बंजारा मार्केट और मैंने कितना सामान लाया, कैसे लाया एंड एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई रियली होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड माई नेक्स्ट वीडियो वुड बी अ हॉल वीडियो ऑफ बंजारा मार्केट, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। सी यू गाइज सुपर सून विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।